मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आजकल सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां आम सुनने को मिलती हैं। मौसम में जरा सा बदलाव आने पर सर्दी खांसी जुकाम बुखार सिर दर्द पेट दर्द इन्फेक्शन न जाने कौन कौन सी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए हम अक्सर कई सारी दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन इन दवाइयों के बदले अगर आप अपनी दादी नानी के नुस्खों को आजमाएं तो ये उन दवाइयों से बेहतर काम करेंगी और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो चलिए आज बताते हैं आपको दादी नानी की यही नुस्खे जो आप अपनी छोटी मोटी बीमारी पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारियों को रख सकते हैं कोसों दूर। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं आपको तुलसी के काढ़े के बारे में। अगर आपको खांसी हो या फिर गले में खराश हो तो आप दवाई लेने से बेहतर है तुलसी का काढ़ा लें। इसको बनाना बेहद आसान है। आपको करना ये है कि 10 पत्ते तुलसी के लें, एक टुकड़ा अदरक का लें जिसे कि आप कद्दूकस कर लें, इसके अलावा लेमन ग्रास का एक तना कटा हुआ ले लें, 4 टीस्पून गुड़ लें और 6 कप पानी लें। अब आपको करना ये है कि ये सारी चीज़ें एक पैन में डालकर 4 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह उबाल लेना है। इसके बाद इसमें गुड़ डालकर उबालें। गुड़ के साथ ये पानी आपको तब तक उबालना है जब तक कि ये काढ़े में अच्छी तरह से घुल ना जाए। इसके बाद इस काढ़े को छानकर हल्का गर्म हो तभी पी लें। इससे आपको गले की खराश और खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी और यकीन मानिए तुलसी का ये काढ़ा किसी भी दवा से बेहतर काम करेगा। अब बात करते हैं कपूर के तेल की। जी हाँ, कपूर का तेल साइनस और सर्दी जुकाम में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि साइनस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इसमें खांसी जुकाम होने पर सिर में तेज़ दर्द होता है और आप थोड़ा सा भी सर झुकाते हैं तो ये दर्द बढ़ता चला जाता है। तो फिर ऐसे दर्द को ख़त्म करने के लिए कपूर के तेल का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बता दें। आपको करना ये है कि कपूर के तेल की कुछ बूंदें लेनी हैं या फिर आधा छोटा चम्मच आपको कपूर का तेल लेना है। इसके बाद एक बड़े भगोने में पानी को अच्छी तरह गर्म कर लें। जब ये पानी अच्छी तरह से उबल जाए तो इसमें कपूर के तेल की कुछ बूंदें या फिर आधा चम्मच कपूर के तेल का डाल दें। फिर सिर को तौलिए से ढककर भाप लें। भाप लेते समय इस बात का ख्याल रखें कि भाप सिर्फ उतनी ही लें जितनी भाप आप आसानी से सहन कर सकें। भाप लेते समय सांस अंदर की ओर खींचें, इससे बंद नाक और बलगम से काफ़ी राहत मिलती है। अगर यकीन ना आए तो एक बार ये टिप्स ज़रूर आजमा के देखें। बात करेंगे अब नींबू और शहद की। जी हाँ, नींबू और शहद पेट की कई सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। जब भी कभी आपको पेट में दर्द हो तो आप इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। इसके लिए करना आपको ये है कि एक ग्लास गुनगुने पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। रोज़ाना सुबह अगर खाली पेट आप इसका सेवन करते हैं तो पाचन क्रिया में काफ़ी सुधार होता है। इससे पेट में बन रहे एसिड की परेशानी में भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। बात करेंगे अब लौंग की। अगर आपका कभी जी मिचला रहा हो या फिर आपको ऐसा लगे कि उल्टी होने वाली है तो ऐसे में आप एक लौंग मुंह में रखकर धीरे धीरे चूस सकते हैं। दरअसल लौंग के कुदरती गुण और सुगंध जी मिचलाने की परेशानी से निजात दिलाने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। उल्टी आने पर लौंग के पाउडर में अगर आप शहद मिलाकर खाएं तो उल्टी आना बंद हो जाती है। बात करेंगे अब अजवाइन और पानी की। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट हमेशा ठीक रहे, गैस वगैरह ना बने और आपका वज़न भी कम हो जाए तो आप एक उपाय अपना सकते हैं। आपको करना यह है कि 500 मिलीलीटर पानी यानी कि आधा लीटर पानी सबसे पहले उबाल लेना है। जब ये पानी उबलने लगे तो इसमें 2 छोटे चम्मच अजवाइन के डाल दें। इसके बाद इसे 3 से 4 मिनट तक उबालें। अब इसे हल्का गुनगुना करके इसमें 1 चम्मच शहद डालकर इसे पिए। वज़न कम करने के लिए ये नुस्खा बेहद कारगर माना जाता है। तो अभी हमने आपको बताया दादी नानी के वो नुस्खे जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होने पर वो घर में ही इस्तेमाल किया करती थीं और इन उपायों से वो खुद को अपने परिवार को बीमारियों से दूर रखा करती थीं। तो फिर आप भी इन उपायों को अपना कर छोटी मोटी प्रॉब्लम को खुद से और अपने परिवार से दूर रख सकते हैं।
बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और घरेलू नुस्खों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।